खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हम मुख्तलिफ अहम शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं उन शख्सियतों से मुलाकात के जरिए। आज भी एक हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने कभी इख्तदार पर रहने के बावजूद भी इख्तदार का बेजा इस्तेमाल नहीं किया और वही सादगी ज़िंदगी, वही सादा ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ने का अज़्म और लोगों से हमदर्दी, मोहब्बत, इनकसारी, गमगुसारी, ईमानदारी, वफादारी और खुददारी के सफ़र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरी मुराद इस वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब से है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब जो मोहताज तारुफ नहीं है, इनकी शख्सियत तेलंगाना, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत जानी मानी है। आइए इस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब का हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले ये जो आपका 24 साल सफ़र, सियासी सफ़र रहा, टीआरएस के क़याम के बाद से अब तक का जो आपका सफ़र रहा, कैसा मानते हैं आपको इस सफ़र को, इस सियासी सफ़र में, जबकि एक तजारती मैदान से वाबस्ता होने के बाद आप सियासी मैदान में कदम रखे थे और अब 24 साल मुकम्मल कर चुके हैं आप सियासी सफ़र के, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इरफान साहब, सबसे पहले मैं आपके नाज़रीन को मेरा सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा एक ही मकसद था जो हमारे आनेबल सीएम साहब ने ऐलान किया था कि टीआरएस पार्टी का जो क़याम अमल में लाया जा रहा है उसका एक ही मकसद है, तेलंगाना हासिल करना। तो उसके बाद मैं खुद चूँकि 69 के मूवमेंट में भी मैं थोड़ा शरीक रहा, जब डॉक्टर चिनाडी साहब इस मूवमेंट चलाए थे, मैं अनवालूम कॉलेज में डिग्री कर रहा था। उसके बाद काफ़ी ज़माने से मूवमेंट तो ख़त्म हो चुका था, हम भी खामोश हो चुके थे, मगर जब केसीआर साहब जो डिप्टी स्पीकर थे और मिनिस्टर थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने असम्बली में जब तेलंगाना के बारे में बात की तो स्पीकर साहब ने आवाज़ दिया, रोक दिया उन्हें कि राव साहब अब तेलंगाना ख़त्म हो चुका है, अब आंध्र प्रदेश की बात की। बहुत बुरा लगा सीएम साहब को, क्योंकि वो तेलंगाना के खाए थे और तेलंगाना को आंध्र में मिलाने के बाद तेलंगाना के आवाम के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही थी हर शोबहत में। मामूली बात एक बताना चाहता हूँ, तेलंगाना में उस वक्त 10 डिस्ट्रिक्ट थे, 10 में 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड करार दिया गया था। पार्लियामेंट्री सर्वे हुआ था, 40 एमपी आए थे, पूरा हिंदुस्तान फिरे थे। तो हमारे स्टेट को मतलब था, जिस स्टेट के 10 में से 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे, वो स्टेट का क्या हाल होता। सीएम साहब कहे कि अब तो हमारा उनके साथ जो चल रहे हैं मिलजुल के, वो अब मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि हमारे बारे में, हमारी स्टेट के बारे में आवाज़ उठाने पर भी स्पीकर साहब को एतराज़ हो रहा है असम्बली के अंदर। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, खुद मिनिस्ट्री को इस्तीफ़ा दिया, डिप्टी स्पीकर को इस्तीफ़ा दिया और टीआरएस पार्टी का ख़याम अमल में लाने का ऐलान किया। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं सीएम साहब से मुलाकात किया जो उस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने आइए कहा कि हम पार्टी बना रहे हैं, 27 अप्रैल को आप भी इस पार्टी के साथ शामिल हो जाइए, काम कीजिए। तो उसके साथ हम पार्टी के साथ जुड़ गए और हम अल्लाह से, ये बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला ने हमें सही रहबर से मिला। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में केसीआर साहब का तरह कोई लीडर इस वक्त मौजूद ही नहीं है। उनका जो मकसद है, उनका एक ही मकसद था उस वक्त, तेलंगाना हासिल करना और तेलंगाना आवाम को इंसाफ दिलाना, तेलंगाना को तरक्की दिलाना। तो हम साहब के साथ जुड़ गए, साहब जिस तरह हमें हिदायत देते रहे, हम उसी तरह काम करते रहे। और सीएम साहब के अंदर जो जोश था, जो जज्बा था, जो उनका हक की जंग में उनका जो रूल था, बहुत अच्छा रूल था। उन्होंने सारे आवाम को ये बात बताई कि टीआरएस पार्टी पावर के लिए नहीं बनी है, बल्कि तेलंगाना हासिल करने के लिए बनी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति आवाम भी बहुत साथ देते रही, एक दो साल नहीं 14 साल जद्दोजहद करते हुए सीएम तेलंगाना हासिल किए और हम सीएम साहब के साथ जुड़े रहे। यकीनन मैं एक तजारत पेशे से वाबस्ता था, मगर तेलंगाना तो मेरा असल मकसद था। 69 में भी डॉक्टर चिनाडी साहब तहरीक शिकारा चलाए और वायलेंस चले, वायलेंस के अंदर काफ़ी लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, मगर हमारे चीफ सीएम साहब जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट थे केसीआर साहब, उन्होंने कहा कि वायलेंस से तेलंगाना नहीं आएगा, हमारे हक़ के लिए हम आवाज़ देते रहेंगे, हक़ के लिए लड़ते रहेंगे। और 14 साल मुकम्मिल उनके साथ हम जद्दोजहद में शरीक रहे और हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं जो हमें केसीआर साहब के साथ काम करने का मौका मिला। और केसीआर साहब का जो विजन था, मैं समझता हूँ शायद लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा और केसीआर साहब के साथ जुड़ गए सब लोग। और अल्लाह का फजल हुआ कि उनकी जो हिकमत अमली की वजह से तेलंगाना हासिल हुआ और उसके बाद पावर में भी आए। और उसके बाद जो तेलंगाना का तरीक़े का उनका नज़्बुल आइन था कि मैं तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाऊंगा, एक खुशहाल तेलंगाना बनाऊंगा, एक अच्छा तेलंगाना बनाऊंगा
और सारा हिंदुस्तान में अगर कोई तेलंगाना स्टेट की मिसाल ली जाती है, अगर सारे हिंदुस्तान में कोई देखा जाए तो तेलंगाना स्टेट डेवलप स्टेट है, और सीएम साहब ने जो 8 साल के अंदर उसे डेवलप किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। जब आपके अंदर एक ताजिर पेशा होने के बावजूद, फिर एक सियासतदान होने के बावजूद, जो आम तौर पे नहीं देखा जाता, आपके अंदर जिस तरीके की हमदर्दी और इंसानियत का जो तड़प देखी जाती है, जिस तरीके से आप लोगों से मिलते हैं, उनके करीब होते हैं, लोग आपको मोहब्बत देते हैं, आपसे करीब होते हैं, हर कोई कहता है कि मैं आपका आदमी हूँ, लोगों में इस तरीके की जो एक अलग पहचान है आपकी, वो क्या वजह है? मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, जिसका उस्ताद अच्छा होता है शागिर्द भी अच्छा होता है। मुझे हमारे सीएम साहब की जो तरबियत रही, जो उनके साथ मैं हमेशा रहा, तो उनका जो नज़रिया रहता था लोगों से मिलने का, लोगों के मसाइल हल करने का, मुझे वही देख देख कर मुझे सीखने का मौका मिला। यकीनन आप जिस तरह कह रहे हैं, मैं हमेशा ज़िंदगी में बड़ी मेहनत किया हूँ और हमेशा खुश अखलाकी से पेश आया हूँ, और बाद में पार्टी में भी आने के बाद मैं हमेशा अल्लाह का हमेशा शुक्र गुजारता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे क़यादत को मेरे लिए, मतलब उस पार्टी में मुझे शामिल किया, और उन्होंने जो लोगों के हक़ के लिए लड़े, मैं समझता हूँ शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग लीडर है, इसलिए केसीआर साहब के ऊपर बहुत लोगों ने किताबें लिखी, उन्हें 5वां गांधी करार दिया है। तो हम यही चाहते हैं जो सीएम साहब का जो उसूल था उसी को हम नक्शे कदम पर चले और उसी को अमल आवारी दिलाए। आपका जो बचपन गुजरा, बचपन के बाद फिर आपकी जवानी, फिर उसके बाद तालीम का जो मैदान रहा, तालीम के जो मराहल आपके गुजरे, किस तरीके से रहे वो, किस तरीके से? मैं एक ताजिर पेशा, मेरे वालिद मोहतरम तिजारत करते थे और वो भी दूध का कारोबार करते थे, डेयरी फार्म का। मैं सरकारी स्कूल में मुझे दाखिला दिलाया गया नर्सरी के अंदर, जो हमारे महल्ले में कटरबड़ा स्कूल था। वहाँ के बाद मैं आज़मपुरा हाई स्कूल में दाखिला लिया, वो भी सरकारी स्कूल था। बाद में ऐज़ा जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ से इंटरमीडिएट किया। उसके बाद अनवालम कॉलेज से डिग्री किया। तो बस वालिद साहब की जो तरबियत थी, हमारे वालिद भी बड़े नेक इंसान थे और हमेशा हमें ज़िंदगी में उन्होंने हलाल रोज़ी खिलाया, तो हलाल रोज़ी पर बहुत तवज्जो देते थे। आज मैं उसी पर अमल करता हूँ। साबिका में सीएम साहब ने मुझे रेवेन्यू मिनिस्ट्री दी और डिप्टी सीएम का अहदा दिया, दूसरी मरतबा मुझे होम मिनिस्टर का अहदा दिया गया, उसके लिए मैं सीएम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये चाहता हूँ, मैं जो भी मेरे काम कारकर्दगी रहे उससे हमेशा मेरी पार्टी को फ़ायदा पहुँचे और मेरी हर कम्युनिटी को। और सेकुलरिज्म अगर आपको कहीं नज़र आता है, वो तेलंगाना में नज़र आता है। यहाँ पर कोई ज़ात पात की सियासत नहीं होती है, यहाँ सभी लोगों के साथ सीएम साहब अच्छा बर्ताव करते हैं, सभी की तरक्की की तरफ कोशिश करते हैं। इसीलिए हम भी उसी पर अमल करते हुए गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग देते हैं और हमेशा आजीज़ी से पेश आते हैं, अखलाक से पेश आते हैं। जिस तरह हमारे वालिद मोहतरम ने हमें तरबियत दी थी कि हलाल रोज़ी खाने की, मिस्त्री में भी हम उसी पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तिजारत के मैदान में किस तरीके से आप आगे बढ़े और कैसे आपको, चूँकि आपके वालिद मोहतरम एक बहुत बड़े ताजिर थे और इस तिजारत का आपको, लेकिन कई ताजरीन होने के बावजूद भी उनके बच्चों में वो लगन नहीं दिखती, लेकिन जिस तरीके से आपने, तीसरी नस्ल शायद आपकी चल रही है, तो तीसरी या चौथी, तो कैसे आपने ये सफ़र तय किया, किस तरीके से आपके जद्दोजहद का दौर रहा? देखिए दादा आज़ाद को तो हम मैंने नहीं देखा, चूँकि मेरे वालिद बहुत छोटे थे, 9 साल में उनका इंतकाल हो गया था। पर वालिद के सोबत में बहुत कुछ रहा हूँ, मैं हमेशा रहा हूँ और बहुत रहते हुए बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे। और हमेशा मेरे वालिद भी हमेशा बहुत लोगों के साथ हुस्नो सुलूक से रहते थे और बहुत तिजारत करते हुए और मस्जिद में इमामत भी करते थे, रहमानिया मस्जिद में। तो एक अच्छी ज़िंदगी थी उनकी और उस ज़िंदगी से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। अपनी ज़िंदगी में जो जो प्रैक्टिकल उनके साथ रहने के बाद, तो आजकल के बच्चे हो गया ये कि फ़ोन आने की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से अपने पेरेंट्स से दूर है। हम तो हमेशा अपने वालिद के बुज़ुर्ग के साथ ही रहते थे, वालिद बुज़ुर्ग के साथ। तो शायद हम सोने अलग जाते थे, मगर जब तक उनके साथ सुबह से शाम तक रहते थे, उनकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी देखकर उसी से हमें सबक मिला। हम ये चाहते हैं जिस तरह हमारे वालिद साहब ने अपने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में खुश अखलाकी, हलाल और लोगों से हुस्न बर्ताव और अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारने के जो उन्होंने गुजारा है, उसके जो हमें रास्ते बताए हैं, उस पर अमल करते हुए हम लोग उसी पर गुजारने की कोशिश करते हैं, उसी पर अमल करने की ज़रूरत कोशिश करते हैं। आपके ताल्लुक से एक नज़रिया आमतौर पर पाया जाता है कि बहुत शरीफ शख्सियत हैं, बहुत शरीफ शख्सियत के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा नर्म दिल हैं, इसके बावजूद कुछ तनकीदों का सिलसिला आपके ऊपर हमेशा लगा रहता है। कुछ लोग कहते हैं इसके बावजूद भी आप उन तनकीदों पर
मुस्कुराते हुए नहीं नहीं जाते हैं, ये सबर का घूंट आपने कैसे किया? पॉलिटिक्स में तो ऐसा चलते रहता है, एक वन ऑफ द पार्ट है पॉलिटिक्स का, क्रिटिसाइज करना बुरी बात नहीं। जब आदमी एक ओहदे पे आता है तो उसके हर चीज पर लोग की नजर होती है। कायदीन का मतलब ये होता है, वो तो सीएम साहब ने हमें कायद बना है, ओहदा दिया है, मिनिस्टर बनाया है, पर लोग जब इंसान एक मंजिल पर पहुंचता है तो उसकी हर चीज़ पर नजर रखते हैं। तो हम भी हर चीज़ पर नजर रखना चाहिए, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से पार्टी का नाम बदनाम हो, जिसकी वजह से किसी वजह से खुद हमारे सीएम साहब एक ओहदा दिए, होम मिनिस्टर साहब ये गलती कर रहे हैं, इसकी वजह से सीएम साहब का ना किसी किस्म से उनको तकलीफ पहुँचे। हम ये कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में हुस्न सलूक और अखलाक से पेश आए और हर एक का दिल जीतने की कोशिश करें, ना कि जिसके के साथ जो हुस्न सलूक के बजाय बर्ताव में तेज़ी करें। हमेशा बहुत नरम बर्ताव से हम लोगों से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। कोई शख्स कहा कि ये शख्स आपको बुरा बोलता है, जब भी उन भी आता है तो हम उससे चाय पिलाते हैं, उसका काम करके देते हैं, ये नहीं पूछते कि भाई आप क्या बोले। हमारी जो ड्यूटी, हमारा जो फ़र्ज़ है हम पूरा करते, दूसरों पर तनकीद नहीं करते। ये हमारा शुरू से ही रहा है 2001 से, हमेशा मूवमेंट में भी हमने लोगों से बहुत अच्छे मरासिम रखे थे, और सीएम साहब हमें इख्तदार देने के बाद भी और हमें नरमी आई और लोगों से बहुत अच्छा सलूक करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पार करते हैं। अगर कोई होता है पॉलिटिक्स के अंदर चलता है, अगर कोई व्हाट्सएप पे हमारे बारे में कुछ नज़रियात गलत भी बोला, तो जब हमारे पास आए तो हम नहीं पूछते कि भाई आप ऐसा क्यों बोले, आपका क्या काम है। चूँकि अल्लाह ताला हमें जो अहदा दिया, आज होम मिनिस्ट्री का अहदा है, ये बहुत इंसाफ करने का अहदा है। हम हमेशा पुलिस ऑफिसर से एक ही गुजारिश करते, डीजी साहब हो, कमिश्नरों से, कि हम चाहते हैं जो आदमी के साथ जस्टिस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, गरीब अमीर में तमीज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि जो गरीब के लिए परेशानी है उसे दूर करने के लिए पुलिस बनी है। लोग खुशहाल के लिए भी परेशानी आती है, किसी को भी कोई तकलीफ देता है तो उसे दूर करना हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, और हम खुशकिस्मत है हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा। आज इंडिया में नंबर वन पुलिस है तो हमारे तेलंगाना की है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है KCR साहब है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पुलिस को बहुत अच्छा पावर दिए, पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिए उसके अंदर। और आप जानते हैं तेलंगाना बनने से पहले कितने क्रिमिनल राइट्स होते थे, कितने डिकेटिस होते थे, आज सब कुछ ख़त्म कर दिए सीएम साहब। आज जो प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी है देने वाले कोई लीडर है वो KCR साहब। मुस्लिम इश्यूज को लेकर हमेशा जब से आप होम मिनिस्ट्री में आए उसके बाद से मुसलसल आपको किसी ना किसी तरीके से आप पर तनकीदें की जाती रही हैं, आपका नाम उछाला जाता रहा है, किसी ना किसी तरीके से आप पर नजरें जमाई गई हैं, क्या वजह हो सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उतनी ज़्यादा तो कोई तनकीद करने वाले नहीं होते। कोई किसी वजह से किसी को बात रही हुकूमत पे तो तनकीद करते हैं, हुकूमत के पास हम गुजारिश करते हुए अपने मसाइल हल करना चाहिए, ना कि गैर जरूरी तनकीद करना चाहिए। आज तेलंगाना बनने के बाद कितना बजट खर्चा हुआ है, रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं, मुसलमानों को इज्जत की ज़िंदगी अता करने वाले कोई लीडर है वो KCR साहब। लोग तो हर दुनिया में होते हैं, अच्छे भी होते हैं, 1-1% लोग नादान भी होते हैं, नादान लोगों के कुछ भी गुफ्तगू रहती है, पर मैं तो अपने नज़दीक समझता हूँ और अच्छे तालीमी याफ्ता लोग भी समझते हैं। हज़ारों लोग मुझसे मिलते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं सीएम साहब की, बहुत अच्छी पॉलिसी के बारे में तारीफ करते हैं। आज देखिए कहीं पर भी देखिए, सीएम साहब का एक ही मकसद है कि मुसलमानों को हो या हिंदू भाई हो, बिला मजहब मिलत सबको अच्छी तालीम दी जाए। आज हमारे स्टेट के अंदर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, 20 लाख रुपये बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए अला तालीम हासिल करने के लिए बाहर भिजाने के लिए सीएम साहब दे रहे हैं। उसी तरह रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए गए और एजुकेशन पर हेल्थ पर बहुत तवज्जो दी जा रही है। हमारे पास जो भी स्कीम्स आते हैं बिला मजहब मिलत आते हैं, आशा स्कीम देखिए आप, 200 रुपये के लिए MRO ऑफिस का 10 चक्कर काटना पड़ता था, आज 2016 रुपये आ रहे हैं, सिंगल वुमन को आ रहे हैं, बीडी वर्कर्स को आ रहे हैं, किडनी पेशेंट को आ रहे हैं। काम बताइए हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इस तरह की स्कीम्स है। दुनिया में अच्छे लोग होते हैं और अच्छे लोग से दुनिया चलती है, पर कुछ परसेंटेज में लोग नादान भी होते हैं, वो नादानी की बातें करते हैं, पार्टी की मुखालिफत में रहते, कोई लोग दूसरी पार्टी में है वो ये पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए बात करते हैं। ऑल टुगेदर अगर आप देखा जाए कि जो 8 साल का पीरियड गुजरा है, 9 साल गुजरा रहे हैं, तो उस पीरियड के अंदर जितना हमारे स्टेट में काम हुआ उतना किसी भी स्टेट में, इंडिया के स्टेट में काम नहीं हुआ, जितना हमारे पास हर तरीके से। अब हमारे किसान खुशहाल है, किसानों को रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम दे रहे हैं। आप बताइए कहाँ है, बताइए, 1 एकड़ पे 10,000 रुपये मामूली बात है, किसान को 1 पैसा लगाने की जरूरत नहीं, फसल काटने की जरूरत है। पानी के लिए केनाल के जरिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया गया, आप बताइए वर्ल्ड में सबसे टॉपेस्ट प्रोजेक्ट है, और इतना कम पीरियड में सीएम साहब 3 साल में कंप्लीट किए, मामूली बात है। घर मशीन भगरा जाता है, घर घर पानी देने का टैप का जो सीएम साहब ने असेंबली में ऐलान किया था कि आने वाले इलेक्शन तक मैं घर घर तक पानी नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, पर तमाम मेरे परेशान हुए, इतना जल्दी काम कैसा हो सकता। पर KCR साहब का जो सोच है, जो इरादा में काम करना चाहते हैं,
मैं तो नहीं देखा हिंदुस्तान, मैं तो मेरी नज़र में तो आज तक वैसा शख्स नहीं दिखा वो जिसके गरीबों के लिए खास तौर से जो करना चाहते हैं वो डट के करते हैं और उसे मुकम्मल करते हैं। मुस्लिम तहफ़ुज़ात के मसले पर हुकूमत बार बार वजाहत करती आ रही है, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन जमातों की तरफ से खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से, देखिए साहब अपोजिशन का काम ही वही रहता है, अपोजिशन का काम क्योंकि रूलिंग और अपोजिशन का टकराव यही होता है, रूलिंग या पार्टी जो भी काम करती है अपोजिशन उस पर क्रिटिसाइज करती है, तो क्रिटिसाइज बिला वजह का होता है, मगर वो तरीका यहाँ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी वही है कि जो अच्छा भी काम करे तो उसको अच्छा नहीं कहते और जो क्रिटिसाइज करने का सिलसिला करते रहते, मगर अगर मजमूरी तौर से देखा जाए दिल्ली से कई अवार्ड हर सेक्शन में हम लोग लेके आए, हालांकि दिल्ली से हमारे मनासिब बहुत ख़राब है, उसके बाद भी चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे पावर डिपार्टमेंट हो, तो हर हर डिपार्टमेंट को अवार्ड्स मिले हैं, आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ वो अवार्ड दिल्ली से नहीं लाया, और हमारे स्टेट में तो समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर वन स्टेट की तरह काम करे, इसका पूरा सेहरा हमारे आनेबल सीएम साहब को जाता है। जब अखबारात के हवाले से 4% तहफ़ुज़ात को 3% कर देने की बार बार बात आ रही है, ये बकवास है, ये कई बार मैं इसकी तवीद कर चुका हूँ, इसके बारे में स्टेटमेंट दे चुका हूँ, दो दिन पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट आया कि 4% तहफ़ुज़ मुकम्मल मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे, अलबत्त हम ये चाहते हैं कि और उसमें इजाफा हो, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे सीएम साहब टीआरएस से बीआरएस पार्टी बनाने का यही मकसद है, अगर आगे इख्तदार में हमारे सीएम साहब की सपोर्ट में हुकूमत बनेगी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे वो, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो आज चीफ मिनिस्टर कल पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हिंदुस्तान में अमन ही अमन हो जाएगा, हमारे बॉर्डर के जो सरहदी इलाकों के मसाइल हैं वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे, और हिंदुस्तान जैसा चाइना तरक्की करा उससे भी ज़्यादा तरक्की करने वाले दिलाने वाले कोई लीडर रहेंगे तो हमारे सीएम साहब रहेंगे, हम यही दुआ करते हैं वो पीएम बने, मगर वो चाहते अगर हम ये चाहते नहीं भी बने तो ऐसी हुकूमत तश्कील दिलवाए वो बहुत बड़ा रोल अदा करें जो सेकुलर हुकूमत हो, और उसमें बहुत बड़ा उनका रोल होना चाहिए, और चारों तरफ से हिंदुस्तान से कई लोग आकर हमारे पास पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कल भी नागपुर से लोग आए, परसों आंध्र से गुंटूर से लोग आए, तो बहुत से जो मुस्लिम्स के अंदर बहुत जोश पाया जाता है, केसीआर साहब जो सीएम साहब है वो ज़रूर पीएम बनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि उन्हें कामयाबी अता करें जिससे बहुत बड़ा हिंदुस्तान के आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। जब टीआरएस की 14 साल की जद्दोजहद के बाद इख्तदार पे आना और फिर बीआरएस की तश्कील, किस तरीके से आपको देखते हैं, कैसा महसूस होता है आपको कि ये सफ़र कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए ज़रूर बढ़ेगा, जिस तरह टीआरएस पार्टी का ख्याम अमल में आया था उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे, आज तो फिर भी बीआरएस को तस्लीम कर रहे हैं, उस वक्त तो टीआरएस का मजाक उड़ाया जाता था, जितने उस वक्त चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे, बाद में वाइस राजसेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर बने, ये हमेशा टीआरएस पार्टी के ऊपर तनकीद करते थे और लोगों से कहते थे कि ये तो 100 साल तक भी हो जाएगा या नहीं बनेगा तेलंगाना, ये गैर जरूरी आवाम को भटका रहे हैं, आवाम का हक नहीं मांग रहे हैं, आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, और आप देखते हैं केसीआर साहब ने टीआरएस पार्टी के तहत तेलंगाना भी हासिल किया और तेलंगाना को तरक्की दिलाया, और ये जो साहब का सोच है और जिस पर अमल भी कर रहे हैं, टीआरएस पार्टी को जो बीआरएस पार्टी बनाएगी ज़रूर इसमें कामयाबी मिलेगी, और एक दिन आएगा कांग्रेस भी आगे झुक जाएगी बीआरएस की सपोर्ट के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई कायद है वो केसीआर साहब है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के पास इतने सीट है, अखिलेश यादव के पास, इसके बावजूद वो आगे नहीं बढ़े कौमी सियासत के या इख्तदार के वास्ते आके, उन्हें उसकी कोशिश नहीं हुई, लेकिन कैसे जिगर की जरूरत होती है, लीडर की काबिलियत की जरूरत होती है, और केसीआर साहब के पास अल्लाह ताला ने खुदा ने बहुत अच्छा मतलब पावर दिया है, उनकी जो सोच है वो सारे आवाम के लिए, ज़रूर वो लीड करेंगे, सारे हिंदुस्तान में केसीआर साहब ज़रूर लीड करेंगे, आने वाला नवंबर का इलेक्शन है, हम स्टेट में बहुत मेजॉरिटी से हुकूमत बनाएंगे, पहले से मेजॉरिटी से हुकूमत बनेगी ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि लोगों में बहुत जोश है, लोग समझ रहे हैं नए नए बीआरएस, अरे बीआरएस के बाद भी लोगों में बहुत जोश है, टीआरएस से ज़्यादा मेजॉरिटी से बीआरएस को जिताएंगे ताकि हमारे साहब को हिंदुस्तान में कदर हो, वो आगे बढ़ेंगे, और सारे आवाम चाह रहे भी है कि कोई हिंदुस्तान में कायद हो तो सारे हिंदुस्तान को संभाल सके, वो काबिलियत किसी में है तो केसीआर साहब में, इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा, और आने वाले वक्त में बीआरएस पार्टी ज़रूर हिंदुस्तान में रूल करेगी, सब पार्टियों को जोड़ा कर, ऐसी बात नहीं कि खुद अकेली पार्टी तो नहीं कर सकती, क्योंकि तमाम जो अपोजिशन पार्टी से वो सबको एक जगह लिया जाएगा, और बीआरएस पार्टी ज़रूर सबके साथ मिलकर इख्तदार पे आएगी, यहाँ पर भी आएगी, सेंटर में भी आएगी। तेलंगाना में मुस्तकबिल खरीब में बीजेपी को कितना कामयाब देखते हैं? देखिए आप बीजेपी बकवास है, कहाँ का कामयाब देखते हैं, कौन देख रहे हैं कामयाब, ये तो उनके दावे हैं, उनके जो लीडरशिप है
जो मुंह कोया बोलते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, एंटी मुस्लिम बात करते हैं, एंटी क्रिश्चियन बात करते हैं। बीजेपी में है क्या बताइए आप? हमारी स्टेट के लोग कभी भी बीजेपी को पसंद नहीं करते, क्योंकि बीजेपी का तरक्की का एजेंडा नहीं है, जात पात का एजेंडा है। जो जो स्टेटों में जात पात की बात आई, वो स्टेट खत्म हो चुके। किधर गया अफगानिस्तान देखिए, किधर गया पाकिस्तान। मजहबी हुकूमत नहीं चल सकती, सेकुलरिज्म जमहूरियत रही तो गंगा जमुना तहजीब को जोड़ते हुए तो सीएम साहब हिंदुस्तान की तरक्की की बात करें। यकीनन आज 75 साल के बाद भी हिंदुस्तान के कई स्टेटों में पीने का पानी नहीं है, करंट नहीं है, रोजगार नहीं है। आप बताइए बीजेपी जो भी करना चाह रही है, हर चीज़ को प्राइवेट करना चाह रही है, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मरकज की तरफ से मुसलसल टीआरएस वज़रा कायदीन को निशाना बनाया जा रहा है किसी न किसी तरीके। देखिए ऐसा निशाना बनाने से जमहूरियत के अंदर नहीं चलता। आप अगर किसी पे जुल्म करेंगे, किसी पे दबाव डालेंगे, किसी पे आपको बार बार परेशान करेंगे तो ये सूटेबल नहीं है। जमहूरियत के अंदर अगर जो आदमी किसी पे जुल्म करता है वो इंसान जमहूरी इंसान या जमहूरियत को मानने वाला नहीं होता। आप जानते हैं सब हिंदुस्तान के बीजेपी का क्या हाल है, तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उसकी हम सख्त मजम्मत भी करते हैं जी। सब एक चीज़ जो है कि किसी तरीके से हमेशा आपने मुस्लिम अखिलियतों के ताल्लुक से हुकूमत की जितने प्रोग्राम्स रहे हैं उसकी तशहीर की है, बार बार भी तशहीर हो रही है इसकी, लेकिन इसके बावजूद किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी ज़रूर हो जा रही है। देखिए काम जब होता है ना, काम में जब होता है ना, अच्छा ही है तो कोई नहीं देखता, कहीं ना छोटी छोटी कुछ खराबी है तो उस पर तनकीद करते हैं, उसको तनकीद को मानते भी हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अभी बजट में हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का बजट है कितना देखिए, उसका एक ही हमारे स्टेट का बजट करीब करीब बराबर है, थोड़े से फ़र्क से किधर हिंदुस्तान की आबादी में हमारे स्टेट की आबादी में मुसलमानों का कितना बड़ा फ़र्क है देखिए। सीएम साहब इतने मरतबा 400 करोड़ का इजाफा किए, 2200 करोड़ बजट रखा गया। आप बता दें हिंदुस्तान के किसी स्टेट में माइनॉरिटी बजट है क्या? देखिए अखराजात भी जो हमारे स्टेट में हो रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी स्टेट से कंपेयर करके देखिए। अपोजिशन का काम तो तनकीद करना होता है, पर मैक्सिमम डेवलपमेंट हमारे स्टेट में अखिलियतों के लिए अमन है, हर शोबे हाथ में उन्हें बराबर का मौका दिया जा रहा है। और जितने जनरल स्कीम से 5 रुपये का खाना देते हैं सीएम साहब, क्या हिंदू मुसलमान अलग करके देते हैं? 2000 पेंशन देते हैं, क्या हिंदू मुसलमान अलग करे? जो आता है जो गरीब है उसे बराबर पेंशन दिया जाता है सरकार की जितने स्कीम से। एग्रीकल्चर में रैतु बंधु रैतु बीमा देते, क्या मुसलमान हिंदू में कोई फ़र्क है? हर शोबेहत में हमारे पास जात पात की सियासत ही नहीं है, सारे लोगों के साथ इंसाफ किया जाता है, अखिलियतों के साथ भी ज़रूर इंसाफ किया जा रहा भी है, आगे भी किया जाएगा। एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा कि मुसलसल सेक्रेटेरिएट के ताल्लुक से केसीआर साहब भी ऐलानात करते रहे हैं, खुद आपने भी कई मर्तबा कहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये खौफ व खदशात पाए जाते हैं कि मस्जिद का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। ये नादान लोग हैं जो बोल रहे मस्जिद का काम चल रहा है, डोम भी बन चुके हैं। आप बताइए कितनी शानदार, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, मैं समझता हूँ इंडिया में नंबर वन मस्जिद बनाई जा रही है। सीएम साहब जो भी करते हैं बहुत मेयरी लेवल से करते हैं, जात पात लेवल से नहीं करते। मस्जिद जो बन रही है और ज़रूर उसका इफ्तिताह हो जाएगा सेक्रेटेट, क्योंकि मंदिर और मस्जिद एक साथ ही इफ्तिताह करना बोल के वो भी काम चल रहा है, ये भी चल रहा है। वहाँ क्रिश्चनों के लिए कोई उनके वही वहाँ इबादत की जगह नहीं थी, वो भी मौका दिया गया है क्रिश्चनों के लिए भी। तो डेफिनेट सीएम साहब सारे लोगों को एक साथ देखते हैं, ज़रूर अच्छी से अच्छी मस्जिद बनेगी, लोगों को पढ़ने के बाद सीएम साहब के लिए दुआ करें। अनीसुल गुरबा की जो इमारत है वो काफी दिनों से तामीर, हाँ थोड़ा सा पेंडिंग जा रही है। मैं भी बात किया हूँ मिनिस्टर साहब से, बात किया हूँ और चेयरमैन साहब से भी, फाइनेंस कॉर्पोरेशन के और वक्फ चेयरमैन से भी, बहुत जल्द थोड़ा काम बाकी है, अभी तकमील पाया जाएगा। मैं एक ही बात बताता हूँ, पहले अनीसुल गुरबा 650-550 गज पे था, सीएम साहब ने 4400 गज जमीन खुद दी अपने तरफ से, कोई मंगा नहीं है, सीएम साहब खुद दिए। आज तो तकरीबन 5000 गज से ज्यादा जमीन पर बन रहा है अनीसुल गुरबा, ज़रूर अच्छी तरीके से बनेगा और लोगों को जो मासूम बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उन लोगों के रिहायश का इंतजाम किया जा रहा है। अच्छे से जो बिल्डिंग बनेगी और सामने कमर्शियल भी रहेगा, उससे आमदनी भी होगी, ताकि इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। केसीआर साहब की फैमिली से जिस तरीके से आपका आपने एतमाद जीता है और आज भी जिस तरीके से वहाँ आपका मुकाम है, वो क्या वजह हो सकती है? केसीआर साहब की फैमिली बहुत हमारे लिए बहुत एहतराम करने की फैमिली है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं वो, इतने अच्छे लोग हैं। आप हम देखने के बाद हमें बड़ी खुशी होती है जब केटीआर साहब से मिलते हैं, तो ऐसा दिखता है कि वाकई दिल से चाहने वाले इंसान से मिल रहे हैं,
केसीआर साहब की जो तरबियत देखकर हम खुद मुतासिर हुए, तो उनकी तौनात कैसी हो सकती है। कविता मैडम का भी वही हाल है कि आवाम में रहते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं और गरीबों की तकलीफ सुनने वाले हैं और बड़ी हमदर्दी से काम करते हैं और बहुत स्टेट को डेवलप करने में केटीआर साहब का भी बहुत बड़ा रोल है और बहुत हमेशा वो, आप हैदराबाद सिटी को देख लीजिए, लोग जब हाईटेक सिटी जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि दुबई के ममासिल तरक्की कर रही है। तो आप बताइए, हमारी इंडिया में हम बहुत पीछे थे तो बैकवर्ड थे, आज जाके फॉरवर्ड बन चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये जब बढ़ाने वाले आगे ले चलने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी फैमिली है, उसकी मिसाल तो हमें कहीं नहीं मिल सकती। हमेशा गरीबों की खिदमत करना, लोगों के साथ हुस्न सलूक अच्छा रखना, हर एक को बराबर इज्जत देते हैं, बहुत मेरी फैमिली है उनकी। अल्लाह से दुआ करते हैं उनकी फैमिली को हमेशा सेहतमंद रखे, सेहत से रखे, उम्र दराजी करे और इख्तदार पर रखे, यही अल्लाह से दुआ करते हैं। केटीआर साहब को आइंदा वजीर आला बनाने के लिए लॉबिंग, मिनिस्टर्स की जो लॉबिंग है बहुत ज्यादा आगे आ रही है, अभी बीआरएस तकमील के मराहल में, ऐसे में केटीआर साहब को जरूरत नहीं है, कोई लॉबिंग नहीं करे। जब तक सीएम साहब चाहते हैं, जब बेहतर रहेंगे, मैं जरूर, हम अल्लाह से दुआ करते हैं और उम्मीद भी हमको कि सीएम साहब एक दिन पीएम बनेंगे, तो जब जरूरत पड़ेगी सेंटर में खिदमत के लिए, जब केसीआर साहब जो है, केटीआर साहब को जो इख्तदार सौंपेंगे, हम उसका वेलकम भी करते हैं। बहुत काबिल इंसान है केटीआर साहब, आवाम में भी बहुत उनकी मकबूलियत है और हम चाहते हैं कि जिस तरह केसीआर साहब तेलंगाना को तरक्की दिलाएं, उसी तरह केटीआर साहब भी आगे और तरक्की दिलाएंगे। और आज जो तेलंगाना तरक्की आफ्ता नज़र आ रहा है, उसमें जिस तरह केसीआर साहब की मेहनत है, उसी तरह केटीआर साहब की भी मेहनत है। आज शहर हैदराबाद में लोग आके देखने के बाद दंग हो जाते हैं, अरे 8 साल पुराना तेलंगाना क्या था और आज का क्या होगा। तो हमारे लिए खुशनसीब है तेलंगाना के वहाँ, चाहे वो केसीआर साहब सीएम रहो या केटीआर साहब सीएम रहो, ज़रूर दोनों भी बहुत अच्छे हुक्मरान हैं और आगे अच्छा काम करेंगे, क्योंकि केसीआर साहब को हिंदुस्तान की क़यादत करना है। जब केसीआर साहब हिंदुस्तान की क़यादत करेंगे तो केटीआर साहब तेलंगाना की क़यादत करेंगे। मेहनत आपकी ज़िंदगी का एक मिशन रहा है, हर मोड़ पर आपने एक जद्दोजहद, एक ऐसे मराहल, कठिन से कठिन मराहल में भी आपका हौसला अपनी जगह बरकरार रहा, लेकिन ऐसा आपकी ज़िंदगी का कोई मोड़ जो आप आज भी आपकी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह नज़र आता है, वो कौन सा मोड़ रहा? नहीं, मैं हमेशा देखिए ज़्यादातर कोशिश करता हूँ सब्र, कभी इंतकाम की बात नहीं सोचता हूँ किसी के साथ, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, रिश्तेदार हो, खानदान वाले हो, कभी भी मैं किसी पे गुस्सा ही नहीं करता हूँ, हमेशा ऊपर वाले पे शाकिर रहता हूँ। और केसीआर साहब के बताए रास्ता जो मतलब पॉलिटिकल तरीके से है, उस पर अमल करता हूँ और जो इस्लाम में बताया गया है सब्र और मोहब्बत भाईचारगी, उसी पर अमल करता हूँ। जबकि इंसान कितना भी इबादत गुजार हो, अगर उसके पास सब्र नहीं रहा तो वो इंसान नामुकम्मल होता है। तो बहुत से हमारे उलमाओं की सुबह में भी बैठता हूँ, मैं समझता हूँ कि उलमाओं से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है और वो लोगों ने जो तरबियत दी है मुझे, या जो बातें मैं सुनता हूँ, तो यकीनन उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा ज़िंदगी में कभी भी किसी किस्म का डर खौफ या इख्तदार की मुझे कभी आवाज भी नहीं रही, कि मुझे सीएम साहब ने हमेशा बहुत अहमियत दी है इख्तदार, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मगर मेरा जो मकसद था, तेलंगाना हासिल करने का मकसद, मैं सीएम साहब के साथ था और तरक्की में भी उनके साथ जुड़ा हूँ और लोगों से मैक्सिमम कोशिश करता हूँ प्यार और मोहब्बत से रहे, और हमेशा ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ऊपर वाला मुझे बहुत अच्छा लीडर नसीब फरमाए, लीडर की सेहत तंदुरुस्त के लिए, उनकी फैमिली के लिए हमेशा दुआ करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने का तो कोई मकसद नहीं होता, लोग करते हैं, मगर मैं कभी भी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कोई प्रोग्राम नहीं करता हूँ। इतना ही करता हूँ कि जहाँ जो लोग मासूम गरीब लोगों के बच्चे, यतीम बच्चों के जा रहे थे, वहीं जाकर उनके साथ खाना वाना कुछ इंतज़ाम कर लेता हूँ, किसी और जगह नहीं जाता हूँ। सीएम साहब से भी दुआ लेता हूँ, अपने बड़ों से भी दुआ लेता हूँ। एक वो महमूद अली साहब हैं जिनको लोग वज़ीर दाखिला की हैसियत से या डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, रेवेन्यू चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जानते हैं, लेकिन एक वो महमूद अली साहब हैं जो इंसानियत के तौर पे जाने जाते हैं। ऐसे क्या, जो ये भी कहा जाता है कि कुछ खुफिया काम उनके ऐसे हैं जो इस्लामी तालीमात की रोशनी में नेक काम है, किसी का फ़ायदा करना है या किसी गरीब के साथ कुछ हुस्न सलूक करना है, ये मामलात के लिए भी आप मशहूर हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत मुतासिर करती है कि ये करना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, ऐसा कुछ किया जाए? इंसान का फ़र्ज़ है कि दूसरों की खिदमत करे, ख़ास तौर से गरीबों की खिदमत करे। जैसे इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं। एक बार टीवी में एक डिबेट चल रहा था, एक शख्स ने दूसरे शख्स से बोला कि इंसान और जानवर का फ़र्क बताइए। जवाब देने वाले ने दिया, जो खुद के लिए जीता रहता है वो जानवर के बराबर है, जो दूसरों के लिए जीता वही इंसान।
तो हमेशा इंसान वही होना चाहिए, दूसरों के काम है इंसान, अल्लाह ताला जो भी खुदा जो भी मौका देता है, तो जहाँ तक हो सके आपका लोगों के साथ हुस्नुल सुलूक होना चाहिए। सेल्फ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, ये सबसे बड़ा नज़्बुलैन होना चाहिए ज़िंदगी का। अगर आदमी ख़ुद के बारे में सोचा तो फिर वही जानवर की तरह होता है जो टीवी में देखा गया। इंसान जब दूसरों के बारे में सोचता है वही इंसान है। अल्लाह ताला भी उस अमल से खुश होते हैं कि बंदों के बारे में जो हुस्न सुलूक रखता है, बंदों की खिदमत करता है, वही सही इंसान है। इस्लाम में तालीमात भी वही है। BRS की जो BRS का जो तश्कील अमल में आई है, BRS से TRS से BRS में तब्दील हुई है, इसको कौमी सतह पर और तेलंगाना की सतह पर आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहें? मैं नाजरीन से ये कहता हूँ अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, मैं भी जाऊँगा इंशाल्लाह ताला मक्के शरीफ जाऊँगा उम्रे के लिए, जाकर वहाँ दुआ करूँगा, चूँकि BRS बनने के बाद नहीं गया है 9 मई, तो इंशाल्लाह जैसा भी शायद रमज़ान में हो सका है तो जैसा भी फुर्सत मिलेगी वहाँ जाकर इबादत कर दुआ भी करूँगा। और मैं सारे तेलंगाना के आवाम से भी गुजारिश करता हूँ आप BRS के लिए साथ भी दीजिए और अपने अपने मजहबी तरीक़े से, चाहे मंदिर में हो या मस्जिद में हो या चर्चों में हो, इज्तमाही दुआ करवाइए, क्योंकि CM साहब का जो मकसद है हिंदुस्तान को तरक्की दिलाना है, जिस तरह तेलंगाना को तरक्की दिलाए। CM साहब की इस उम्र में ज़रूरत नहीं थी उनको, मगर जो देख रहे हैं हिंदुस्तान का हाल, हिंदुस्तान के जो पसमानदी देख रहे हैं, हिंदुस्तान में जो गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोगों में इख्तलाफात डाला जा रहा है, ये चलने वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए सारे लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से हर मज़हब के लोग अपने अपने तरीके से इबादत कीजिए और दुआ कीजिए अपने अपने खुदा से कि हमारे CM साहब को इस मामले में अल्लाह की मदद, खुदा की मदद चाहिए, और वो जो क़यादत कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम बड़ी परेशान है। हर स्टेट में आप देख रहे हैं दुनिया के फसादात हो रहे हैं, दुनिया की जहालत हो रही है, दुनिया खून खराबे हो रहे हैं, इससे मुल्क चल सकता है क्या आप बताइए? इससे नहीं चल सकता। मुल्क जब ही चल सकता है प्यार और मोहब्बत से चल सकता है, गंगा जमुना तहजीब से चल सकता है। आप देखिए घर में आमदनी कम भी है, मियाँ बीवी बच्चे अगर खुशहाल रहेंगे तो घर अच्छा सुख का रहेगा। अगर आमदनी हो आपस में मियाँ भी बच्चे लड़ते रहेंगे तो घर में कहाँ खुशहाली रहेगी, खाना जंगी रहेगी। हिंदुस्तान का भी वही हाल है। अगर हम आपस में एक गुलदस्ता है जो कई कलर के फूल हैं यहाँ पर, वो आपस में हम लड़ते रहेंगे तो किस तरह हिंदुस्तान को तरक्की दिला सकते हैं? और हमको एक सही क़ायद की ज़रूरत है, वो क़ायद हमारी नज़र में तो KCR साहब ही है। हम दुआ करते हैं, सब लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप दुआ कीजिए BRS पार्टी को हिंदुस्तान में तरक्की दे और सारे पार्टियों को एक जगह जोड़ दे ताकि फ़िरका परस्त ताकतों का खात्मा हो और हिंदुस्तान खुशहाल हिंदुस्तान बने। तो हिंदुस्तान फूलों का जो गुलदस्ता है वो गुलदस्ता में हर फूल खिले प्यार और मोहब्बत से, ये मेरी गुजारिश सारे आवाम से। कंटी वेलगू जो आंखों की रोशनी का प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर KCR साहब की तरफ से ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, कई गरीब लोगों को इससे फ़ायदा यकीनन हासिल हो रहा है, इसके क्या हुकूमत के मकासद हैं, किस तरीके से इसको शुरू करने की इब्तिदा हुई? आँख बड़ी अहम चीज़ है इरफान साहब, इंसान को आँख ही रहता जो दुनिया देख सकता है, उसके बारे में सोचने वाला हिंदुस्तान को लीडर तो KCR साहब। कंटी वेलगू फर्स्ट फेज हुआ, सेकंड फेज चल रहा है, घर घर तक लोगों का पूरा ट्रीटमेंट मुहैया करने के लिए कैंप पे डाले जा रहे हैं हर महल्ले में हर बस्ती में, और लोगों का इलाज किया जा रहा है। सिर्फ ऐनक ही नहीं दी जा रही है बल्कि उनका आँख का सर्जरी हो या उनका मोतिया का सर्जरी हो या ट्रीटमेंट के लिए कोई सर्जरी हो, चाहे कितना भी पैसे लगो, वो मुकम्मल हुकूमत की तरफ से दी जा रही है। इसके लिए हम CM साहब के शुक्रगुजार हैं और सारा हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे पास दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी आए थे इफ्तिताह के रोज़, बहुत तारीफ करे, और कई चीफ मिनिस्टर हों क्योंकि स्टेट में लागू करने की बात करें, CM साहब तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम को मुकम्मल इस्तफादा करने का मौका दे रहे हैं और मुकम्मल टीमा डालते हुए हर बस्ती में बस्ती दवाखाने खोले गए, उसी तरह इलाज किया जा रहा है, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है और लोग भी बड़े खुश हैं। हम CM साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अखिलियती इकामती स्कूल जो टेम्परेरी हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा जाल, अखिलियती तलबा को तालीम से हमांग करने के लिए जो कदम उठाया गया है तेलंगाना हुकूमत की तरफ से, ये बहुत बड़ा कदम है, इससे लाखों बच्चों को तालीम से आशना होने का मौका मिल रहा है, लेकिन इसको मजीद किस तरीके से इस्तेहकाम बख्शा जाएगा, क्योंकि इसको अपग्रेड किया जा रहा है, जूनियर कॉलेज में तब्दील करने का हुकूमत का मंसूबा? देखिए 65 साल कई दूसरों ने हुकूमत की हमारे पास, दूसरी पार्टियों का मतलब
हमारे लोग ही हुक्मरान थे, हम विशाल आंध्रा में भी थे, मगर कोई भी मुसलमानों की तालीम के बारे में नहीं सोचा। 65 साल में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसमें 2400 बच्चे बताते थे, मगर 1200-1300 बच्चे आए नहीं कभी, उतने ज़्यादा आए नहीं बच्चे, 1200-1300 पढ़ा करते थे। सीएम साहब तेलंगाना बनने के 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, आज 1,40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 56,000 तो ख़वातीन पढ़ रहे हैं। बच्चों की तालीम भी बड़ी अहमियत की हामिल है। लोग सीएम साहब से कहे मुस्लिम बच्चियाँ तालीम तो नहीं भी जाते उनके माँ बाप, वहाँ सीएम साहब का कारनामा है। उन्होंने कहा नहीं, लड़के को जितनी तालीम होना चाहिए लड़की को भी उससे ज़्यादा तालीम होना चाहिए, तालीम में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। आज अल्लाह का फजल है, एक आप 3 साल में सीएम साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल डाले थे, आगे और भी इजाफा करने का इरादा है। उसे अब चूँकि बच्चे पढ़ कर इंटरमीडिएट में आए तो इंटर में अपग्रेड किया गया है, इंटरमीडिएट कॉलेज में तकसीम किया जा, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाए जा रहे हैं, और आगे भी होना चाहिए, डिग्री का में जाओ या इंजीनियरिंग में जाओ या MBBS में जाओ, जहाँ तक भी जाएंगे जहाँ तक पढ़ेंगे उनको मुकम्मल हुकूमत से फ्री तालीम दी जाएगी। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसके ताल्लुक से भी कुछ शिकायतें हैं कि उर्दू को देखिए बराए नाम रखा गया है। ऐसा इरफान साहब, वो अपोजिशन का पुकारना है, जितना उर्दू आप जानते हैं, सीएम साहब आने के साथ ही पूरे उर्दू ऑफिसर्स का अपॉइंट किए, एक दो ने 66 कलेक्टर के पास हो या मिनिस्टरों के पास हो, जो उर्दू में खतों किताबें लिखते हैं उनका जवाब उर्दू में लिख के दिया जा रहा है। अब हुकूमत ऐसा है, उर्दू एम्प्लॉयमेंट की ज़बान नहीं रही, उसको हम क्या कर सकते बताइए। आज लोग अंग्रेजी में तालीम हासिल करना चाहते हैं और जितने एग्ज़ाम भी होते हैं अंग्रेज़ी में होते थे। मैं सीएम साहब का मैं हमदिल की घरों से शुक्रिया अदा करते हैं, इस वक्त ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 के एग्ज़ाम जितने हैं, हम 91,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सबको उर्दू में लिखने का मौका दिया गया। अब बताइए किसी स्टेट में क्या उसी को उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बोलते हैं क्या? इस खाली बस स्टैंडों पर लिखने से, RTC बस में लिखने से सरकारी ज़बान कहते हैं क्या? उर्दू जहाँ लोगों को मुलाजमतें किस तरह मिले, उसके लिए मौका देने वाले वाहिद लीडर है KCR साहब, उनकी वजह से लोगों को उर्दू में तालीम हासिल करने वालों को उर्दू में लिखने का मौका दिया गया, उसके लिए भी हम CM साहब को बहुत शुक्रगुजार हैं। KCR साहब की शख्सियत से आप हमेशा मुतासिर रहे हैं, उनके जो कारनामे हैं उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा उसकी तशहीर भी करते रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनकी शख्सियत के बारे में मज़ीद? ऐसा है, KCR साहब के ऐसा लीडर हिंदुस्तान में तो मुझे अभी तक तो कोई दिखा नहीं लीडर, तेलंगाना देखने के बाद तो आपको अंदाज़ा होगा हो रहा होगा। वो हमेशा आवाम की खिदमत, गरीबों का हक दिलाने के लिए इतने स्कीम लाए हमारी स्टेट के अंदर। आप बताइए 5 रुपये में तो पेट भर के खाना मुहैया करने वाली कोई स्टेट है तो वो तेलंगाना है। तो इसलिए हमेशा तेलंगाना की आवाम, चाहे किसी मज़हब से वाबस्ता हो, CM साहब के लिए दुआ करते रहते हैं। तो KCR साहब एक वाहिद लीडर है, और उनके लिए क्या शेर कहें, हज़ारों शेर भी कहा जाए तो कम है। एक उर्दू में जो ख़ास तौर से कहा था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेरोनी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो यकीनन हमारे CM साहब जो है बहुत महान इंसान है, उनके लिए कितना भी बोलना बहुत कम है। ऐसे लोग हम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को भेजा है जो आवाम की खिदमत के लिए, उसमें KCR साहब है। और जिस तरह तेलंगाना को तरक्की दिलाएं, हमें उम्मीद है आने वाले टाइम पर सारे हिंदुस्तान को भी इसी तरह तरक्की दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी सालगिरह की मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस तरीके की कामयाबियों से नवाजे और मुस्तकबिल में कौम मिल्लत की खिदमत का मज़ीद मौका अता करें। नाज़रीन, ये थे वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब, जो हुकूमत तेलंगाना हुकूमत के मंसूबों और मुस्तकबिल के मंसूबों के ताल्लुक से वाकिफ करवा रहे थे और हुकूमत की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाल रहे थे। नाज़रीन, ये थे हमारे मेहमान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब, जो हुकूमत तेलंगाना की अब तक की कारकर्दगी तश्कील तेलंगाना के बाद से लेकर आज तक और फिर BRS की तश्कील के बाद मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी और वज़ीर आला KCR के कौमी सियासत में दाखिले को लेकर रियासत तेलंगाना और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबक़ात को होने वाले फ़ायदे से मुतालिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए आपके मेज़बान हसन इरफान को, आइंदा फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।